My dear lovely kids, I hope you all are fine. So as we have covered subtraction and its properties, so today we are going to discuss exercise 4.1 and 4.2 of subtraction. I hope you understood the properties of subtraction. If any doubts and queries, we are going to cover it in the interactive session. Now let's start. We are going to cover exercise 4.1 of subtraction. So let's begin. So ones place, tens place. The number is 94 minus 87. Can you subtract 4 from 7? No. Can you subtract? आपके पास चार चीजें हैं, फोर थिंग्स हैं. आप सेवन चीज दे सकते हो किसी को? नो. देन वॉट यू नीड टू डू, यू विल बोरो. क्या करोगे? यू विल बोरो. सो आप क्या करेंगे, नाइन से वन नंबर ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14. और जब हमने किसी को, जब आपके पास नाइन चीजें थी किसी के पास, वो अगर वन किसी को दे देता है, सपोज बोरो मीन्स किसी को कुछ देना, बोरो मीन्स किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना. तो फोर ने क्या किया, वन नंबर नाइन से ले लिया. फोर ने क्या किया, वन नंबर नाइन से ले लिया. तो नाइन के पास अब एक नंबर कम हो गया या एक चीज कम हो गई, तो नाइन के पास क्या बचा, एट. यस. सो हमें क्या करना है, 14 माइनस 7, 8 माइनस 8. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. कितनी चीज हुई, 14. यस. अब इस 14 में से 7 चीजें मैंने किसी को दे दी, तो मेरे पास कितने बचेंगे, लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक हमने हटा दिया, मैंने दे दी किसी को, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास बचे 7. अब एट में से एट गया, आपके पास एट चीजें थी और एट चीजें ही आपने किसी को दे दी, यू विल गेट 0. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट वन, 10. 0 में से 8 चला जाएगा, नो. इफ यू आर हैविंग 0 थिंग्स, कैन यू सबट्रैक्ट? नो, यू हैव टू बोरो. बोरो हम क्या करेंगे, हम बगल वाले से लेंगे ना. सो क्या किया, 7 ने इसको अपना 1 दिया, तो इट विल बिकम 10 एंड 7 का 6. यस. नाउ लेट्स बोरो 10 माइनस 8, 6 माइनस 2. नाउ स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 चीजों में से 8 हमने किसी को दे दी, वी हैव गिवन 8 टू समवन. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वी हैव गिवन, कितना बचा, 1 2. वेरी गुड. नाउ 7 की जगह हमारा 6 क्यों हो गया, बिकॉज वी हैव गिवन 1 2 0, मीन्स 0 ने बोरो ले लिया 7 से 1. ओके, उधर. सो 1 2 3 4 5 6, अब हम 6 में से ही माइनस करेंगे, गलती नहीं कर देना, 7 से मत करना. यू जस्ट थिंक एंड डू द सम्स प्रॉपरली. पहले ही बोल रही हूँ, ये सब्ट्रैक्शन जितने इजी हो दिखते हैं उतने होते नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो स्लोली स्लोली डू इट. 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 हटा दिए, 1 2, कितने बचे, 1 2 3 4. गुड. नाउ द नेक्स्ट, 81 माइनस 46, क्या 1 में से 6 चला जाएगा, नो. सो व्हाट वी विल डू बोरो. 11 हो गया, बिकॉज वी हैव टेकन 1 फ्रॉम 8, और इधर क्या बचा, 7. गुड. नाउ 11 में 6 क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, नाउ वी हैव टू डिडक्ट 6. 1 2 3 4 5 6, इतना हटा दीजिए, कितना बचा, 1 2 3 4 5. गुड. नाउ 7 में से अभी तो 8 था, वी हैव गिवन बोरो टू 1, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 7. 7 माइनस 4, 1 2 3 4 5 6 7. 4 कम करेंगे, 1 2 3 4, कितना बचा, 1 2 3. गुड. नेक्स्ट, 45 माइनस 17, सो 5 में से 7 जा सकता है, नो. देन ऑल्सो वी हैव टू टेक बोरो, तो इधर क्या हो जाएगा, 15
इधर बच्चे का 3 बिकॉज वी हैव गिवन बोरो. ठीक है, 5 को हमने 1 दे दिया. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पूरे 15 है. नाउ वी हैव टू डिडक्ट 7. 1 2 3 4 5 6 7, 7 हटा दिया, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8. वी आर लेफ्ट विद 8 एंड 3 माइनस 1. 1 2 3, 3 में से अब हमें 1 हटाना है, कितना बचेगा? 1 एंड 2. गुड. 8 में से 9 जा सकता है? नो, अगेन वी हैव टू टेक बोरो. इट विल बिकम 18 एंड 7 विल बिकम 6, क्योंकि 7 में से 1 गया 6. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. सो दिस फुल हैंड एंड 3 ओवर देयर. तो 18 में से 9 कम करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हटा दिया, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो व्हाट्स द आंसर? 9. नाउ 6 माइनस 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सबको हटा दिया, कितना बचा? 1. गुड. सेम विथ इट, 9 में से 7 चला जाएगा. यस, 9 के लिए हमको बोरो लेने की जरूरत नहीं, 9 बिगर है. 1 2 3, आपका ऐसा नहीं कि हर चीज में आपको बोरो लेना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू सी, देखना चाहिए कि ऊपर वाला नंबर स्मॉल तो नहीं है. अगर ऊपर वाला नंबर स्मॉल है नीचे वाले नंबर से, देन यू हैव टू टेक बोरो. अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से, देन यू डोंट हैव टू टेक बोरो. जैसे इसमें 9 बड़ा है 7 छोटा है, तो डिडक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. लेकिन और सब में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? नीचे वाला नंबर बड़ा आ रहा था. यस, दैट्स व्हाई वी वर टेकिंग बोरो. नाउ 9 में से 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 7 गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा? 1 2. एंड 7 में से 6 गया तो क्या बचा? 1. Now, let's begin with exercise 4.2. As we all have studied the properties of subtraction, again I'm going to tell you, when you subtract 0 from any number, the number will be number itself. When you subtract the number from itself, जब आप एक number को उसी number से subtract कर दो, the answer will be 0. Okay? And in subtraction, the order is very important. मैंने अभी भी समझाया था, इन सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जैसे एडिशन में हम किसी भी नंबर को पहले ऐड करके बाद में ऐड कर लेते थे, लेकिन इन सब्ट्रैक्शन हमें ऑर्डर का खास ध्यान रखना पड़ता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2. सो 113 माइनस डैश इज इक्वल टू 100. अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे जो हमारे पास सेम बचे? 0 माइनस करेंगे. यस, हमने 0 माइनस किया, हमने कुछ नहीं दिया, तभी हमारे पास सेम बचा है. दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0. अब हमारे यहां से क्या चला गया कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा? 228 में से हमें 228 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 0. गुड. 713 डैश 713, मैंने कुछ नहीं दिया होगा तभी तो सेम बचा है मेरे पास. सो 713 माइनस 0 इज इक्वल टू 713. 220 माइनस डैश इज इक्वल टू 219. 220 में से हम क्या माइनस करेंगे तो 219 आ जाएगा. बैकवर्ड काउंटिंग करो, 220 219, तो 220 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जब हम किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर, तो जो नंबर होता है वो उससे पहले वाला नंबर आता है. मीन्स 220 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 219 आएगा. अगर 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आएगा. तो बिफोर वाला नंबर आता है जब भी हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं. लाइक हम एडिशन में क्या करते थे? 1 ऐड करते तो आगे वाला नंबर आता था, आफ्टर वाला. लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बिफोर वाला नंबर आता है. 18 में से 0 माइनस करा, आपने कुछ नहीं दिया 18 में से, तो आपके पास 18 ही बचा. 19 माइनस डैश इज इक्वल टू 17. अब 19 चीजें थी, उसमें से आपने क्या कम किया? 18 थी, आपने 18 17 2 माइनस किया, जो आपका आंसर
17 आया. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2. इफ एनी क्वेरीज वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द इंट्रैक्शन सेशन. प्लीज कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 इन योर बुक. टिल देन सी यू. टेक केयर ऑल ऑफ यू.